Be strong. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइनो ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे ब्रिज कोर्स ऑफ स्टैंडर्ड 9th एंड टुडे वी आर डूइंग टेस्ट नंबर 3 ऑफ साइंस। लेट अस सी द नोट। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ड्रॉ साइंटिफिकली एंड लेबल डायग्राम इफ नेसेसरी। द नंबर्स ऑन द राइट इंडिकेट्स मार्क्स। अब ये 30 मार्क्स का पेपर होगा फॉर 60 मिनट्स। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जिसे इस वीडियो की जरूरत होगी। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट नंबर 3। नाउ दिस एक्टिविटी शीट इज बेस्ड अपॉन व्हाट? एक्टिविटी शीट नंबर 1 to 21। क्वेश्चन नंबर 1A, कंप्लीट द कोरिलेशन अमीबा प्रोटिस्टा बैक्टीरिया मोनेरा कंपस मैग्नेटिक नीडल डोरबेल इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन नंबर बी, लुक एट द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल्स। यस, नाउ दिस डायग्राम इज ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। सो इट्स अ व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस डायग्राम इज व्हाट? अबाउट सोडियम एंड क्लोरीन, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सो इट इज आयोनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2, गिव साइंटिफिक रीजंस। ब्यूटिफुल डिजाइंस कैन बी मेड यूजिंग कैलेडोस्कोप्स। आंसर इज व्हेन आई इज प्लेस एट वन एंड ऑफ द रिफ्लेक्टर देन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रॉम ऑफ द अदर एंड इज इंसिडेंट ऑन वन रिफ्लेक्टर एंड अंडरगोस मल्टीपल रिफ्लेक्शन दस गिविंग राइज टू द सिमेट्रिकल मोजैक पैटर्न दस वी कैन सी ब्यूटिफुल डिजाइन्स थ्रू कैलेडोस्कोप। यस, क्योंकि कैलेडोस्कोप में क्या होता है? रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो जब एक इमेज एक रिफ्लेक्टर पे आता है तो वो दूसरे रिफ्लेक्टर्स पे गिरता है बिकॉज देर आर नंबर्स ऑफ रिफ्लेक्टर्स। तो इससे एक अच्छा सा डिजाइन बन जाता है। सो वी कैन सी अ ब्यूटिफुल डिजाइन्स By using what? Kaleidoscope. Next question. Question number 2. We should always cover our nose while sneezing. Answer is, we should always cover our nose while sneezing so that the germs in your body are not propelled into the air or across the room, which could make other sick. Hame kyu? नोज पे क्या क्यों रखना चाहिए? कवर क्यों करना चाहिए नोज को स्नीजिंग करते वक्त? बिकॉज अगर हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल बैक्टीरियाज हो गए तो वो क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाएगा और अदर पर्सन बिकम्स इल। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यस, वी कैन सी दिस द डायग्राम। देर इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड, एसिड इज फॉर्म्ड, देन एसिड ड्रेन एंड द हार्मनेस टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, विच गैसियस ऑक्साइड्स आर गेटिंग मिक्स विद द एयर? द आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट, विच एसिड विल बी फॉर्म इन द एसिड रेन? दैट इज सल्फरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। Answer is, acid rain has been shown to have adverse impact on forest, fresh waters and soil, killing insect and aquatic life forms, causing pain to peel, corrosion of steel structures such as buildings and weathering of stone buildings and statue as well as having impact on human health. Acid rain kya hoga? Sabhi जगह एडवर्स इफेक्ट होगा, जैसे फॉरेस्ट, पानी में, सॉइल पर, इंसेक्ट्स पे, एक्वाटिक लाइफ, ह्यूमन बीइंग, लाइक इन शॉर्ट ऑल
बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स इफेक्ट हो सकते हैं ड्यू टू व्हाट? एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट विल यू डू टू अवॉइड सच पोल्यूशन? यस, द बेस्ट वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इज व्हाट? यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, रिसाइकल एंड रीयूज, नो टू प्लास्टिक बैग्स, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड स्मोकिंग, यूज ऑफ फैन इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर, यूज फिल्टर्स फॉर चिमनी, अवॉइड यूजेज ऑफ क्रैकर्स। यस, दिस आर द सम ऑफ द थिंग्स विच विल रिड्यूस द पॉल्यूशन। पर अगर आपको और थिंग्स पता है, यस विच विल हेल्प अस टू नो द पॉल्यूशन, तो आप वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड टू पार्ट, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, या प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देन प्रोकैरियोट्स आर व्हाट? बैक्टीरिया, वेरस। यूकैरियोट्स आर व्हाट? प्रोटिस्टा, फंगाई एंड अल्गे। क्वेश्चन नंबर फाइव, द नेमिंग डन बाय फॉर द गिवन डायग्राम इज रॉन्ग, आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड करेक्ट इट। यस, दे आर गिवन द नेम ऑफ अ डायग्राम एज व्हाट? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। दस करेक्ट आंसर इज हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। यस, यू शुड ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। द क्वेश्चन आर, द टेम्परेचर एंड डेंसिटी इंक्रीजेस, सेकेंड न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन स्टार्ट, थर्ड द गैसियस स्फीयर बिकम्स सेल्फ ल्यूमिनियस, फोर्थ डेंस स्फीयर ऑफ द हॉट गैस इज फॉर्म। यस, द करेक्ट आंसर इज द टेम्परेचर एंड डेंसिटी इंक्रीजेस, सेकेंड विल बी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन स्टार्ट, थर्ड विल बी डेंस स्फीयर ऑफ हॉट गैस इज फॉर्म्ड, फोर्थ द गैसियस स्फीयर बिकम सेल्फ ल्यूमिनियस। क्वेश्चन नंबर सेवन, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच सब्सटेंस दैट कैन बी डिग्रेडेड नेचुरली। द आंसर इज फ्रूट पील्स, पेपर। नाउ इफ यू नो मोर यू कैन राइट दैट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, मीडिया थ्रू विच द साउंड कैन पास। द आंसर इज एयर, वॉटर, वुड। क्वेश्चन नंबर एट, फॉलोइंग फिगर शोज द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्व इट एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन द टू। यस, फिगर नंबर ए एंड फिगर नंबर बी। यस, फिगर नंबर ए इज अ व्हाट? अ स्मूथ सरफेस। एंड फिगर नंबर बी इज व्हाट? इज रफ सरफेस। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस? यस, द फर्स्ट इज व्हाट? द फिगर शोज ए, इट शोज रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिगर नंबर बी शोज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर नाइन, एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन। ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स इज टेकन। अगर हम ज्यादा दवाई ले रहे हैं तो क्या होगा? नॉट टेकिंग टू मच पेन किलर्स कैन लेड टू लिवर डैमेज, स्टमक ब्लीडिंग एंड किडनी डिजीज, इट मे बी फैटल। यस, ज्यादा दवाई लेने से क्या होगा? लीवर खराब हो सकता है, स्टमक में से ब्लीडिंग हो सकती है या किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और कभी कभी अगर ज्यादा हो जाएगा तो इंसान मर भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, करंट कैरिंग वायर एंड बल्ब आर कनेक्टेड बिटवीन इलेक्ट्रिक सेल इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या होगा? बल्ब विल ग्लो अप। क्वेश्चन नंबर थ्री, द वॉल्केनिक इरप्शन टूक प्लेस। आंसर, वॉल्केनोस स्पीव हॉट डेंजरस गैसेस, एश, लावा एंड रॉक दैट आर पावरफुली डिस्ट्रक्टिव। पीपल हैव डाइड फ्रॉम वॉल्केनिक ब्लास्ट। वॉल्केनिक इरप्शन कैन रिजल्ट इन एडिशनल ट्रेट टू हेल्थ सच एज फ्लड्स, मडस्लाइड्स, पावर आउटेज, ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन एंड वाइल्ड फायर्स। क्वेश्चन नंबर टेन, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यू कैन सी दिस प्लास्टिक। सो क्वेश्चन नंबर ए, द मैन मेड मटेरियल आर शोन इन द डायग्राम, what effect can they have on the environment? So what is that man made material? It is a plastic bag. And what are the effects? Now plastic pollution causes
harms to humans, animals and plant through toxic pollutants. It can take hundreds or even thousands of years for plastic to break down, so the environmental damage is long lasting. It affects all organisms in the food chain. That plastic ko achhi tarah se bar destroy hone ke liye 100 saal ya kahi kahi bar 1000 saal lagte hain. So it's a what long process. Isse kya hoga, sabhi living things or non living things pe effect ho sakta hai. Question number B. What preventive measures can we take to avoid the ill effects? Yes, क्या कैसे बचा सकते हैं हम प्लास्टिक पॉल्यूशन? Yes, give up plastic bags. प्लास्टिक बैग हम कम इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Take your own reusable one to the store. Reusable plastic bag यूज कर सकते हैं या आप कपड़े का भी बैग इस्तेमाल कर सकते हो. Skip straw. स्ट्रॉ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. होगा तो रिफिलेबल वाटर बॉटल इस्तेमाल करना चाहिए. अवॉइड प्लास्टिक पैकेजिंग, हमें प्लास्टिक पैकेजिंग अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट, रिसाइकल व्हाट यू कैन, जो प्लास्टिक हो गया उसको हमें रिसाइकल करके कुछ नया बनाना चाहिए. लास्ट वन, डोंट लिटर. अगर आप इस प्लास्टिक बैग जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे यहां वहां फेंकना नहीं चाहिए, उसे अच्छी तरह से रिसाइकल करना चाहिए. यू हैव कंप्लीटेड आवर टेस्ट नंबर 3. Now, if you like my video, do like, comment, share and subscribe and share it with your friends, relatives, neighbors or a person who needed the most. Thank you.